उसके द्वारा कुछ दिनों पहले कंप्लेंट की गई थी कि उसके साथ ठगी हो गई। उसको एक 3 करोड़ का पार्सल जो इंग्लैंड से आया था उसका लालच देकर अलग अलग टाइम पे अलग अलग पैसे उसने जमा किए थे। अलग अलग अकाउंट्स पे महिला द्वारा करीब लगभग 11,75,000 रुपये जमा कर लिए थे। जब इन बैंक अकाउंट्स की और जिन नंबर से फ़ोन आते हैं उनका स्टडी किया तो हमारी टीम दिल्ली गई थी, दिल्ली पुलिस और बाकी इनकी सहयोग से आज 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक नाइजीरियन आदमी भी है। इनके द्वारा एक सुनियोजित ढंग से सभी गलीबल कस्टमर्स को इनको ढूंढा जाता है, SMS किए जाते हैं और जब उनको बड़े पार्सल का या किसी का लालच दिया जाता है और उसकी क्लियरेंस मनी के नाम पे पैसा मांगा जाता है। आज इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बहुत सारे सिम बरामद हुए, मोबाइल बरामद हुए और कुछ कैश भी बरामद हुए। आगे की पूछताछ जारी है और किस तरीके से ये पूरा फ्रॉड करते हैं उसकी जांच की जा रही है। लगता है बहुत बड़ा गैंग भी है, पुलिस को ढूंढ रही है। इनकी पूछताछ के दौरान ये चीज़ें पता लगी कि बहुत सारे लोग का इनका एक गैंग है जो अलग अलग नंबरों पर मैसेज करते हैं। मैसेज करने के बाद फिर फर्जी बैंक अकाउंट्स बनाते हैं और बैंक अकाउंट्स के बाद इन लोगों को बताते हैं कि आपको क्लियरेंस के लिए कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा और पैसा विड्रॉ हो जाता है। सर लगता है सर से ये फर्जी सिम बांटने वाले हैं, फर्जी सिम देने वाले, तो क्या इनके प्रति कोई कार्रवाई? हाँ जी बिल्कुल, जो फर्जी सिम बांटे गए जिसमें WLL की भी सिम है वो यहाँ पर बरामद भी हुए, जिसने ये फर्जी सिम बांटे उसकी भी अरेस्टिंग यहाँ पर हुई, आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर अभी तक कितने लोगों को शिकार बना चुके हैं? हमारे यहाँ पर जो केस हुआ था उस महिला के साथ ये केस हुआ, लेकिन इनकी कॉल डिटेल्स और इनके पूछताछ के दौरान ये पता लग रहा है कि इन्होंने पूरे भारत में अलग अलग लोगों से ठगी की होगी, तो इसकी भी जांच की जा रही है।